हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी डिस्ट्रीविजन आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आईएएस बनने का एक छोटा सा भी विचार आपके दिमाग में मौजूद हो तो ये मान करके चलिए कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल आईएएस का जो रास्ता है, आप जानते हैं कि वो कॉलेज से होकर के गुजरता है। कॉलेज से आप आए हैं और आईएएस के तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज के कितने भी बातें आपके दिमाग में हैं, चाहे वो पढ़ने का तरीका हो, एग्जाम देने का ढंग हो, आंसर राइटिंग का प्रिपरेशन हो, सारी की सारी बातें, सारी की सारे तौर तरीके आपके दिमाग में ठीक उसी तरह से मौजूद है जैसे सांप के देह पर केचरी होती है। लेकिन सांप करता क्या है, एक समय के बाद उस केचरी को छोड़ता है और फिर आगे सफर पर निकल पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, और ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर कह रही हूँ। फ्रेंड्स, आईएएस प्रिपरेशन के साथ सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये है कि वो अपने कॉलेज के तौर तरीकों को बदल नहीं पाते हैं, और अगर उन्हें कोई कहता भी है कि आपको ये तौर तरीका बदलना चाहिए तो उन्हें तरीके भी बताते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास नहीं होता है। यदि विश्वास हो भी जाता है तो भी इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं करते कि सच में वो अपने तौर तरीकों को बदल पाएं। तो फ्रेंड्स, आज इसी विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन हिट कर दे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में मैं बात करने जा रही हूँ। आइए पहले एक लॉजिक जो लेते हैं। आप जानते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में लगभग 5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, और फाइनली सेलेक्शन कितने का होता है, 1000 स्टूडेंट का। अब जरा सोच करके देखिए कि इस देश में कितने यूनिवर्सिटी हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने इंस्टीट्यूशन हैं, कितने इंस्टीट्यूशन का मतलब है आईआईटी और आईएमएम जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, फिर उनके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, और हर एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन में लाखों स्टूडेंट बैठते हैं और हर सब्जेक्ट का एक टॉपर होता है, यूनिवर्सिटीज का गोल्ड मेडलिस्ट होता है। तो ये जो 5 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, मान करके चलिए कि उसमें 5000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो गोल्ड मेडल होंगे, फर्स्ट क्लासेज होंगे, टॉपर होंगे। तो देखिए, आप सोचिए तो सीधी सी बात है कि अगर कॉलेज की पढ़ाई यहाँ काम आ रही होती तो ये 1000 पद इसके लिए बिल्कुल रिजर्व से हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूपीएससी पहले इसके भी डेटा दिया करती थी कि जो सेलेक्शन हुए हैं उसमें से कितने स्टूडेंट फर्स्ट क्लासेज हैं, सेकेंड डिविजनर हैं, थर्ड डिविजनर हैं, लेकिन उस समय भी जो फर्स्ट क्लासेज स्टूडेंट का डाटा होती थी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि जो बाकी स्टूडेंट है, जो गोल्ड मेडल लिया है, जो टॉपर रहे हैं, सेलेक्शन क्यों नहीं हो पाए। उत्तर बहुत साफ है, इसलिए सेलेक्शन नहीं हो पाए क्योंकि वे अपने कॉलेज के तरीकों को बदल नहीं पाए। और फ्रेंड्स, आप माने या ना माने, मेरी बातों को सुनने के बाद काम करे या ना करे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉलेज का जो तरीका है वो यूपीएससी पर अप्लाई नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल अलग है, दोनों में एक दूसरे का विरोध है, लेकिन फिर भी आपको तरीके तो बदलने ही होंगे। वे तरीके क्या हो सकते हैं, आइए अब उन्हें थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कॉलेज के बारे में आप सोचिए, अपने कॉलेज के दिनों को आप याद करिए, कॉलेज में आप क्या करते थे, उन सभी को आप ध्यान में लाइए, और हो सकता है कि मैं जो बातें आपके सामने रखूंगी तो उसी सिलसिले में आपके कॉलेज के दिन याद आ जाए। आपके कॉलेज में पढ़ने जाते थे, राइट? आपके पास एक सिलेबस होता था, आप एक बार उस सिलेबस को देख लेते थे, उसी सिलेबस के बेस पर किताबें आपको मिल जाती थी, और उस एक बुक में आपको अपने सिलेबस की सारी टॉपिक मिल जाते थे। आप क्लासेज अटेंड करते थे, लेक्चर सुनते थे। बहुत से कॉलेजेस में तो ये होते हैं कि जो प्रोफेसर होते हैं वो नोट्स लिखाते रहते हैं, तो आप नोट्स लिख रहे होते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं, और आप ऐसे प्रोफेसर की बहुत तारीफ करते हैं कि वो तो नोट्स देते हैं, वो नोट्स लिखाते हैं, और आप खुश हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि आप उन नोट्स को रट लेते हैं, एग्जामिनेशन में उन्हीं से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और आपने रटा है तो ज्यों का त्यों लिखकर भी आ जाते हैं और नंबर भी मिल जाते हैं।
थोड़े मोड़े नहीं बल्कि आपको खूब नंबर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में भी ऐसा ही है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप देखेंगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिलेबस तक नहीं पता होता। सिलेबस आपको मालूम नहीं है, सोच करके देखिए। और आप यूपीएससी की तैयारी करने चले हैं और फिर तैयारी करने के बाद 2-4 साल के बाद आप शिकायत करते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है। आपको पता ही नहीं है किस रास्ते पे चल करके किस दिशा के माध्यम से कहाँ पहुँचना है। तो आप बताइए कि सिलेक्शन कैसे होगा। और सबसे चैलेंज है कि यूपीएससी की सिलेबस को जानना, क्योंकि यूपीएससी आपको जो सिलेबस देती है बहुत स्पष्ट नहीं है। आउटलाइंस वहाँ मौजूद है लेकिन बिटवीन इन द लाइन्स कहते हैं ना, दो लाइन के बीच जो खाली स्थान है जहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सबसे ज्यादा वही लिखा हुआ। एक बात उनसे कह दी कि एक छोटा सा शब्द उसमें शामिल कर दिया। पता लगा कि उसमें शब्द से जुड़े ढेर सारे शब्द, ढेर सारे चैप्टर, ढेर सारे टॉपिक आपको जानने हैं। दूसरी बात, कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, जनरल नॉलेज का आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट अलग से उसमें ना हो तो अभी जो जनरल नॉलेज, जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और कॉलेज में इसके लिए कोई जगह नहीं है, दोनों तरह से जगह नहीं है। एक तो यह कि जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स का तो कोई पेपर ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पेपर नहीं है तो, लेकिन ये तो किया जा सकता है कि जो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट पर तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें जरा करंट की छौक लगा दीजिए, यानी कि करंट बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर दिए जाएं ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा अलर्ट रहे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेबस पर बेस क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन उनका आधार होता है करंट अफेयर्स, किताब नहीं। किताब में तो बस चैप्टर है, आपने किताब के जरिए इसके बेस को समझ लिया है, ये क्या है, डेट सॉल्व। अगर करंट अफेयर्स की आपको जानकारी नहीं है तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। और जब मैं करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप चीजों के बारे में जानते हैं। और मैं ये कहाँ, किस तरह से और कितने खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करूँ, अगर आपको इस्तेमाल करने का तरीका मालूम नहीं होगा तो पता चलेगा कि आप उन्हें बीच बीच में डाल रहे हैं और वो बेढंग बन गया है, अजीब सा दिखाई दे रहा है। करंट अफेयर्स फिर आप देखें कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉलेजेस में एग्जामिनेशन, वो किस तरीके के होते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे होते हैं, उनके उत्तर भी बिल्कुल सीधे सीधे लिखने होते हैं। और ना इस बात का गुंजाइश होता है कि आप अपने मौलिक विचार किसी के बारे में कुछ दे सके, जबकि सिविल सर्विस में इन्हीं बातों का महत्व होता है। वो जानना चाहती हैं कि किसी भी टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है और किस तरह से एनालाइज करते हैं। इसके बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कितने भी क्वेश्चन आते हैं, 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द के, कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। बल्कि सच पूछिए तो कॉलेज में मजेदार बात तो ये है कि ये कहा जाने लगा है कि एग्जामिनर जो है वो तौल कर मार्क्स देते हैं। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए स्टूडेंट फटाफट कॉपी भरने में लगे रहते हैं। यहाँ ये पद्धति काम नहीं करती है, यहाँ पर बिल्कुल सीमा दी हुई है और उस शब्द सीमा में ही आपको आंसर देना है। फ्रेंड, मैंने ये भी देखा है कि कुछ कॉम्पिटिटिव मैगजीन में मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं लेकिन उनमें ना तो शब्द सीमा का ध्यान दिया जाता है और पूछिए तो जिस तरह से आंसर लिखे जाने चाहिए उस तरह के आंसर भी नहीं होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉलेज में शायद ही कभी आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी, आपको लगता है कि लिख लेंगे और सच ये है कि आप लिख भी लेते हैं और नंबर भी मिल जाते हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कंटेंट की दृष्टि से भी और स्ट्रक्चर की दृष्टि से भी, एनालाइज करने की दृष्टि से भी और बहुत तेजी से लिख पाने की दृष्टि से भी, तेजी के साथ इसलिए क्योंकि आपके पास 3 घंटे का समय है, 200 शब्दों के बीच 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 20 क्वेश्चन के बारे में आपके दिमाग को फटाफट सोचना है और उसके आंसर लिखने हैं। तो आंसर राइटिंग भी आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेश करती है। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आप कॉलेज में परीक्षा की तैयारी कैसे करते थे। कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, ज्यादातर तो आप पाएंगे कि वो क्वेश्चन रिपीट होते थे। कॉलेज में थोड़े बहुत
बदलाव के साथ क्वेश्चन आते थे। परीक्षा शुरू होने की उससे एक दो महीने पहले आप अपनी पढ़ाई शुरू करने लगते थे, पास भी हो जाते थे, आपको अच्छे नंबर भी मिल जाते थे। लेकिन क्या सिविल सर्विस में ये बात काम आएगी? कंटिन्यूटी स्टडीज की मांग करती है और लंबे समय की मांग करती है, क्योंकि आपके विषय को रटना नहीं है, विषय को समझना है। इस तरीके से समझना है कि वो विषय आपकी चेतना में बिल्कुल रच बस जाए, तभी आप उसके बारे में कुछ लिख सकेंगे। कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, वहाँ रटने पर ज्यादा जोर और यहाँ समझने पर जोर है। जनरली आपका अनुभव रहा होगा कि कॉलेज की तैयारी के समय या फिर प्रोफेसर आपको नोट्स लिखा देते थे, या फिर आप उसमें अपने सीनियर के नोट्स ले लेते थे। मार्केट में नोट बिकने भी लगे हैं, आप वहाँ से नोट खरीद लेते थे और आपका काम चल जाता था। सच बात तो यह है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी यही होने लगा है। आप कल्पना करके देखिए, कहा जाता है कि ये टॉपर के नोट है, आप इसे खरीदिए। क्या आपने लॉजिकली इस बारे में सोचने की कोशिश की है कि अगर टॉपर के नोट बिक रहे हैं तो उस टॉपर ने अपने ही नोट्स बनाए होंगे ना? उसने किसके नोट खरीदे थे? और टॉपर इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अपने नोट्स खुद तैयार किए थे। और पूछिए तो फ्रेंड्स, नोट खुद के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ आपको चाहिए कि अगर नोट्स बना करके ही आपकी पढ़ने की आदत है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंपलसरी है, लेकिन नोट्स आपकी आदत में शामिल है तो आप खुद नोट्स तैयार करें, क्योंकि नोट्स तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो अपने आप में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तैयारी करने की प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स, आखिरी में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी जो किसी भी मायने में कम इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो एक पार्टिकुलर किताब से नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको हाथ पांव मारने होते हैं कई कई किताबों से जो भी आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, टॉपिक है वो टॉपिक वहाँ से लेने होते हैं। वहाँ से अगर टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं तो आपको और कहीं से जुटाने होते हैं, तब कहीं जाकर के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी हो पाती है। कॉलेज की तरह ऐसा नहीं होता कि एक किताब ली और उसमें से बात बन गई, या आप मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन किसी पार्टिकुलर किताब से पूछ लिया कोई क्वेश्चन, वो भी कभी कभार तो स्टूडेंट को लगता कि यही किताब सबसे अच्छी बुक है और इसी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ यह पद्धति काम नहीं करती है, आपको अलग अलग बुक पढ़नी होगी, चीजें जुटानी होगी, जुटाने के बाद उन्हें अच्छे से समझना होगा, तब जाकर फ्रेंड्स कहीं सिविल सर्विस की तैयारी हो पाएगी। मुझे लगता है कि इतने बातचीत के बाद शायद आपके दिमाग में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई होगी कि किस तरीके से सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो कॉलेज के प्रिपरेशन में, ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल भी अलग है और उसके विरोध में है, लेकिन उसका यह एक बहुत रिफाइंड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। और जब आप इसे रिफाइन कर लेते हैं तो यही आपको सिविल सर्वेंट बना देती है। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी बातों पर विचार करें, और विचार करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है, तो आपके सामने कोई दूसरा उपाय रह ही नहीं जाता है कि आप इन बातों पर अमल करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।